हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज हम सॉफ्ट स्पॉन्जी और टेस्टी गुलाब जामुन बनाएंगे, वो भी मूंग दाल से। और अगर आप सारे ट्रिक्स एंड टिप्स को फॉलो करें तो गारंटी के साथ गुलाब जामुन पूरी मार्केट जैसे बनेंगे, वो भी बिना कंडेंस मिल्क के और बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए मैं यहाँ पे आधा कटोरी मूंग दाल ले ली हूँ और ये दाल बिना छिलके वाला है। तो सबसे पहले हम दाल को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो एक टॉवल को गीला करके ले लेंगे और उसके ऊपर दाल डाल देंगे और कुछ इस तरीके से अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो ये देखिए, दाल हमारा साफ़ हो चुका है। तो अब हम कढ़ाई चढ़ा देंगे दाल भुनने के लिए। तो लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से चलाते हुए हमें दाल को भुनना है, जब तक कलर चेंज ना हो जाए। तो ये देखिए, दाल का कलर चेंज हो चुका है और दाल अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और दाल को ठंडा कर लेंगे, और ठंडा कर लेने के बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो हमें एकदम बारीक तरीके से पाउडर को रेडी करना है। तो अगर आपको दरदरा लगे तो एक बार आप इसे अच्छे से छान लें, क्योंकि अगर दरदरा रहा तो हमारा गुलाब जामुन में क्रैक्स आ जाएगा इस वजह से। तो ये देखिए, बिल्कुल बारीक पाउडर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम पाउडर को निकाल लेंगे और आधा कप गरम दूध ले लेंगे और थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। एक बार में हमें सारा दूध ऐड नहीं करना है, वरना इसमें गोटलियाँ पड़ जाएंगी। और उसके बाद हम 15 से 20 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे, जिससे कि हमारा दाल फूल जाएगा। तो तब तक हम लोग चाशनी बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 कटोरी चीनी ले ली हूँ। तो 2 कटोरी चीनी में हम 2 कटोरी पानी ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इसमें इलायची ऐड कर देंगे। और इलायची ऐड कर देने के बाद हम आधा नींबू का जूस ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और चिपचिपाहट आने तक हम चाशनी बना लेंगे। तो ये देखिए, चिपचिपाहट आने लगा है। कोई तार वार का चाशनी नहीं बनाना है, सिर्फ चिपचिपाहट आने देना है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए, 20 मिनट हो चुका है। तो अब हम बाइंडिंग के लिए आधा कटोरी मिल्क पाउडर डाल देंगे। और मिल्क पाउडर डाल देने के बाद हम इसमें 4 से 5 चम्मच मैदा डाल देंगे। और मैदा डाल देने के बाद हम इसमें घी डाल देंगे चिकनाहट के लिए 1 चम्मच। और घी डाल देने के बाद और हथेली भी थोड़ा सा घी लगा के अच्छे से मसल के हम इसका डो रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, डो हमारा रेडी हो चुका है। तो अब आप अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं, या तो छोटा छोटा भी रख सकते हैं या फिर बड़ा बड़ा भी गुलाब जामुन बना सकते हैं। तो अब हम बॉल्स बना लेंगे। और बॉल्स बना लेने के बाद हम इसे बीच में ऐसे जगह छोड़ देंगे, जैसे कि हम फिलिंग भर सकें। तो फिलिंग में मैं यहाँ पर मावा और ड्राई फ्रूट्स को चॉप करके ले ली हूँ। आप चाहे तो सिर्फ ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे और इसका बॉल्स रेडी कर लेंगे। ये देखिए, एक भी क्रैक्स नहीं आया है। तो अगर आपके क्रैक्स आ रहे हो तो आप इसे थोड़ी देर के लिए और अच्छे से मसल ले और उसके बाद फिर फिलिंग भरे। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे और उसके बाद हम फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद हम कढ़ाई चढ़ा देंगे और कढ़ाई गर्म हो जाने के बाद हम घी डाल देंगे। तो घी को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, गुनगुना गर्म होगा तभी हम इसमें गुलाब जामुन डाल देंगे। और गुलाब जामुन डाल देने के बाद हम गोल्डन होने तक लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, नीचे से ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम पलट देंगे और इसी तरीके से हम दोनों तरफ से गोल्डन होने तक लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम गर्मा गर्म ही चाशनी में डाल देंगे। तो इसी तरीके से हम बाकी गुलाब जामुन भी फ्राई कर लेंगे और गर्म गर्म ही चाशनी में डाल देंगे। अब बस ध्यान यहाँ पे आपको ये रखना है कि जब हम गुलाब जामुन को चाशनी में गिराएं तो चाशनी भी हल्का गर्म होना चाहिए। तो अगर आपका चाशनी ठंडा हो गया हो तो आप थोड़ी देर के लिए इसे गर्म कर लें। तो अब हम सारे बॉल्स डाल देंगे और 1 घंटे के बाद हमें इसे उलट पलट करना है। अभी हमें इसे ऐसे ही छोड़ देना है। तो इसी तरीके से हम बाकी गुलाब जामुन बना लेंगे। तो ये देखिए, मूंग दाल के सॉफ्ट स्पॉन्जी और टेस्टी गुलाब जामुन हमारे रेडी हो चुके हैं। बिल्कुल हलवाइयों की तरह बने हैं हमारे गुलाब जामुन। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और मैं गारंटेड हूँ कि आप मार्केट से गुलाब जामुन लाना छोड़ देंगे अगर एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे।
तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। लाइक करें, कमेंट करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।